नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। आपके राशि फल के विषय में हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि भविष्य में आपके साथ क्या क्या होने वाला है और आपको कौन से ऐसे कार्य भविष्य में करने हैं ताकि आपको समय के साथ साथ उचित लाभ मिल सके। दोस्तों, हम लोग राशि फल की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है, कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। अर्थात अगर आप किसी काम के लिए कल्पना करते हैं तो वह काम कैसे होगा उसके बारे में आपको जानना चाहिए और करने के लिए शुरुआत भी कर देना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं राशि फल के विषय में। तो अगर हम लोग मेष राशि के आज के राशि फल के बारे में बात करें तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बता रही है कि मेष राशि वाले को व्यापार में आज उठा पटक की स्थिति बनी रहेगी। तो काफी ज्यादा उथल पुथल भरा दिन रहने वाला है। व्यापारिक देनदारी के चलते माथापच्ची हो सकती है। किसी को उधार पैसा देने से बचे या अल्परिचित ग्राहक या पार्टी को उधार माल देने से बचे। तो अगर आपसे कोई अल्परिचित ग्राहक उधार मांग रहा है या फिर कोई पार्टी जो कि आपके साथ नई नई जुड़ी है वो आपसे उधार माल मांग रही है तो आप उसे सामान देने से बचे, नहीं तो आपका उधारी पैसा फंस सकता है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के जातक अपने काम में अस्पष्टता रखे, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है। तो जो भी लोग सरकारी नौकरी में है या फिर प्राइवेट नौकरी में है तो आप अपने काम में अस्पष्टता रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। केमिस्ट के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों की उन्नति होगी और लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। तो जो भी लोग केमिस्ट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उनको आने वाले भविष्य में लाभ मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें पढ़ाई लिखाई की तो माता पिता बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर दिखेंगे और छात्रों को गंभीर होने के बाद लाभ भी मिलेगा। कला वर्ग के छात्र को शिक्षा के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई चुनौतियों का सामना करना होगा और इनसे भविष्य में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। सायंकाल के समय किसी समारोह में आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। आज आपकी सेहत कैसी रहेगी? त्वचा संबंधी कोई एलर्जी आदि की समस्या बन सकती है। तो त्वचा संबंधी कोई रोग आपको हो सकता है, इसलिए साफ सफाई के प्रति अधिक सतर्कता रखें, रोज स्नान करें और घर के आसपास साफ सफाई रखें और अपने घर को भी साफ करें। सुबह उठकर बिस्तर को भी साफ जरूर करें। आज मेष राशि के उपाय के बारे में बात करें तो समस्याओं से मुक्ति के लिए सूर्य देव की आराधना करें, स्नान करके सूर्य देव को जल दें और साथ ही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तो दोस्तों, ये है मेष राशि वालों के लिए आज का राशि फल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।